तो ये हमारे अराउंड यहाँ लालबाग से भी बना रहे हैं। तो दो साल कोरोना का पीरियड था तो महामारी की वजह से वो व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इस बार हम जोर शोर से त्यौहार बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें शहर के जो राजनीतिक गणमान्य लोग हैं उनको सबको बुला रहे हैं, उनका सबका अभिनंदन करेंगे। और अति सभा जी का भी हरदास अमीर भाई है वो आ रहे हैं, वो अति सभा जी का या स्थानीय स्तर के भी अति सभा जी बनेगा, शानदार अच्छा आयोजन रखता है, सभी को आनंद आएगा। प्रतिनिधि के रूप में श्री ज्ञानेश्वर जी पाटिल संसद सदस्य हैं, विधायक माननीय सुरेंद्र सिंह जी है, शहर की प्रथम नागरिक माधुरी अतुल पटेल जी हैं, फिर नगर निगम के अध्यक्ष अनिता जी यादव हैं और सरकारी नवची शक्कर कारखाना के अध्यक्ष मध्य हैं। इसकी ऊंचाई की अगर हम रावण की बात करें तो क्या ऊंचाई रहेगी? हाँ, तो लगभग 40 फुट के लगभग ऊंचाई है। अच्छा, समय क्या रहेगा इसको दहन करने का? देखिए, हम 6:30 बजे से आरती सभा जी का कार्यक्रम कर देंगे और जैसे आरती सभा जी का कार्यक्रम समापन होता है रावण दहन का कार्यक्रम हो जाएगा। क्या क्या जो है तैयारी, जो आने वाले लोग हैं वहाँ पे उनसे क्या अपील करेंगे आप? ये बस बुराइयों का अंत करो और सब परमपिता परमेश्वर सबको खुशहाल रखे, सब भाईचारे की एकता से सब रहे करे, मिलजुल के रहे। बस आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश भाई, अध्यक्ष दशहरा उत्सव समिति। तो यही कहना चाहूँगा कि सब सुख शांति बनाए रखिए और सभी धर्म एक साथ मिलकर ही पर्व मनाएं। तैयारी हरदा से आमिर भाई आ रहे हैं जो बहुत अच्छी आतिशबाजी और सब दिखाएंगे। काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहने की उम्मीद है और काफ़ी हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाया जाएगा। दो साल कोविड होने की वजह से, इसकी प्रोटोकॉल होने की वजह से हम लोग ये त्यौहार बहुत अच्छी तरीके से मना नहीं पाए, इसलिए इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित होंगे और हर्षोल्लास से त्यौहार मनाया जाएगा। आपका नाम? तरुण पारी।